करना ना भूलें। आशा टाकिया एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत टारजन द वंडाकार फिल्म से की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर महिला प्रथम अभिनय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म डोर में युवा विधवा के पात्र के लिए उन्हें काफ़ी सराहना मिली। इनका बॉर्न यानी जन्म 10 अप्रैल 1986 को हुआ और इनकी एज 37 ईयर्स है और इनका बर्थ प्लेस मुंबई है। प्रोफेशनल से ये एक्टर, मॉडल और टेलीविजन होस्ट हैं और बॉलीवुड में एक्टिव रही हैं साल 2000 से 2012 तक। इनका एक बच्चा भी है। इनके हस्बैंड का नाम है फरहान आजमी। आशा टाकिया को पहली बार एक मॉडल के रूप में पहचान मिली जब उन्होंने साल 2000 में 14 साल की उम्र में फाल्गुनी पाठक संगीत वीडियो मेरी चुनर उड़ उड़ जाए में प्रदर्शन किया। तब से वह संगीत वीडियो, टेलीविज़न, विज्ञापनों, फैशन शो और पत्रिका कवर पर दिखाई दी थी। आशा टाकिया ने दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी शुरुआत तेलुगु भाषा की एक एक्शन हिस्ट सुपर 2005 से की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का स्क्रीन अवार्ड जीता। इसके बाद वह शादी से पहले 2006 क्रैश, 2007 देताली, 2008 और 8x10 तस्वीर 2009 सहित आर्थिक रूपों से असफल फिल्मों में दिखाई दी। साल 2006 के नाटक डोर ने उनके करियर में एक महत्व मोड़ ला दिया, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स के लिए स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, कई पुरस्कार जीते अभिनेत्री। आज ये अभिनेत्री कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। जीतू वर्मा एक बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्होंने हमराज, सोल्जर, टारजन द वंडाकार और रोहित शेट्टी की बोल बच्चन जैसी फिल्मों में काम किया है। साल 2020 में वह अमेजन प्राइमियर वीडियो ओरिजिनल शो मिर्जापुर में दिखाई दिए। जीतू वर्मा का जन्म जितेंद्र प्रदरी प्रसाद वर्मा ब्राजील में हुआ था। की राष्ट्रीयता भारतीय है। प्रोफेशनल से अभिनेता हैं और ये 1996 से अभी तक फिल्मों में काम कर रहे हैं। इन्हें फिल्म टारजन द वंडाकार के लिए कार में जोजो डी कोस्टक से नाम से जाना जाता है और ये आज 2023 में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। अजय देवगन। अजय देवगन भारतीय हिंदी फिल्म बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता, एक्टर हैं, फिल्म निर्माता और निर्देशक भी हैं। उन्होंने अपना फिल्मी सफर साल 1991 की फिल्म फूल और कांटे से शुरू किया। इनका असली नाम है विशाल वीरू देवगन। इनका जन्म 2 अप्रैल 1969 को हुआ, जिन्हें अभिनेता के तौर से इनका नाम अजय देवगन के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। हिंदी सिनेमा के एक सुपरहिट फिल्म के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अभी तक 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। साल 2016 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अजय देवगन अब इस तरह से दिखाई देते हैं। अमरेश पुरी। अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई अमरेश पुरी हिंदी फिल्मों की दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ रहे। अभिनेता के रूप में निशंत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले अमरेश पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि पाई। अमरेश पुरी का जन्म 22 जून 1932 और इनका डेथ 12 जनवरी 2005 एक भारतीय अभिनेता थे। उन्होंने 450 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और खुद को भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय आवाज़ ने उन्हें उस समय के अन्य खलनायकों के बीच खड़ा कर दिया। गुलशन ग्रोवर हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। व्यक्तिगत जीवन। गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 में नई दिल्ली में हुआ था। पिता कर्ण सिंह ग्रोवर व माता राम राखी सिंह ग्रोवर थी। इनके पत्नी कशिक ग्रोवर व बेटे संजय
ग्रोवर हैं। सुनील ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 एक भारतीय अभिनेता और निर्माता हैं, जिन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। फिल्मों में अपनी नकारात्मक भूमिका से प्रभाव पैदा करने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें बॉलीवुड में बैड मैन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेशनल इनका एक्टर फिल्म निर्माता हैं, ये फिल्मों में सक्रिय हैं 1980 से अब तक, और ये अब कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। सदाशिव अमरापुरक 11 मई 1950 से 3 नवंबर 2014 तक एक भारतीय अभिनेता थे, जो 1983 से 1999 तक मराठी और हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हिंदी, मराठी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 1991 में सड़क के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार पहली बार स्थापित किया गया था 1993 में, जब पुरस्कार की स्थापना की गई, तब उन्होंने खलनायक की भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। साल 1993 में उन्होंने आंखें में एक हास्य नायक इंस्पेक्टर प्यारे मोहन की भूमिका निभाई। नकारात्मक भूमिका के अलावा उन्होंने सहायक भूमिकाएं और बाद में भी हास्य कॉमेडी भूमिका भी निभाई। इनकी मृत्यु 3 नवंबर 2014 को हुई थी और मृत्यु के समय ये 64 ईयर्स के थे। मुकेश तिवारी एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, जिन्हें फिल्म उद्योग में वर्ष 1998 में फिल्म चाइना गेट से अपने करियर की शुरुआत की। लीजेंड ऑफ भगत सिंह, गंगाजल और गोलमाल में उनके काम के लिए जाना जाता है। मुकेश तिवारी एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं का जन्म 24 अगस्त 1969 को सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। मुकेश तिवारी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सागर से पूरी की है। इसके बाद मुकेश तिवारी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अध्ययन किया है। प्रोफेसर कहते हैं कि उस समय मुकेश को विश्वविद्यालय में मौजूद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जाना जाता था। मुकेश तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1998 में फिल्म चाइना गेट से की थी। उन्होंने अब तक हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और वे आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं, और ये कुछ इस तरह दिखाई देते हैं आज के समय में। पंकज धीर एक भारतीय अभिनेता और हिंदी फिल्मों में और टेलीविज़न में दिखाई देते हैं। उन्हें टीवी के पॉपुलर शो महाभारत में कर्ण की भूमिका और चंद्रकांता द ग्रेट मराठा युग और बड़ो बहू में उन्हें अन्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह कई हिंदी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में भी काम किया, जिसमें सड़क, सोल्जर और बादशाह फिल्म शामिल है, और ये अभी भी बॉलीवुड में 1970 से सक्रिय हैं। इनकी वाइफ का नाम है अनीता धीर और इनका एक बेटा भी है, और ये अब ऐसे दिखाई देते हैं। शरद संखला की उम्र 56 वर्ष है और ये प्रोफेशनल से अभिनेता एक्टर हैं। इनकी वाइफ का नाम है प्रेमिला संखला और इनको प्रसिद्धि मिली, लोकप्रियता ज़्यादा मिली 2008 से सब टीवी पर लोकप्रिय भारतीय सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 अब्दुल दुकानदार से ज़्यादा फेमस हुए। आज भी एक्टिव हैं और ये फिल्मों और टीवियों में काम करते हैं। का जन्म 19 जून 1965 को हुआ था और ये अभी 56 वर्ष के हैं, और ये आज कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। दीपक शिखे जन्म 19 अप्रैल 1957 एक भारतीय अभिनेता हैं, जो हिंदी और मराठी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है और ये आज कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। इनकी उम्र 66 वर्ष है। वत्सल्य सेठ जन्म 5 अगस्त 1980 एक भारतीय अभिनेता, मॉडल और हैं। उन्होंने कई भारतीय टेलीविज़न शो और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है, और 2004 की फिल्म टार्जन द वंडर कार में राज चौधरी के किरदार में, 2014 की थ्रिलर श्रृंखला एक हसीना थी में शौर्य गोयनका, और 2017 की लव में कबीर रायचंद्र के किरदार के लिए जाना जाता है। आज ये कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। शीला शर्मा हिंदी और गुजराती सिनेमा की एक भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री हैं, जिन्हें नदिया के पार 1982, हम साथ साथ हैं और मेरे यार की शादी फिल्मों के लिए जाना जाता है। गुजरात में इनका जन्म हुआ, अब मुंबई में रहती हैं। ये पहले ऐसे दिखाई देती थी और आज ये कुछ इस तरह दिखाई देती हैं।
शक्ति कपूर का जन्म 3 सितंबर 1952 एक भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता है जो बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देते हैं। हिंदी फिल्मों में अपनी खलनायक और कॉमेडी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 600 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 1980 और 1990 के दशक में कॉमेडी का काम के रूप में अभिनय किया। वह 2011 में भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस सदस्य भी रहे हैं और ये आज कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। फरीदा जलाल का एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया। लगभग 50 वर्षों के फिल्मी करियर में जलाला ने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। इनके पास 4 फिल्मफेयर पुरस्कार, 2 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार जैसे सम्मान मिले हैं। और ये आज कुछ ऐसे दिखाई देती हैं। इनकी रियल एज 73 वर्ष हो चुकी है। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 एक भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं। उन्हें सफलता राम गोपाल वर्मा की जंगल 2000 से मिली जिसमें उन्होंने नेगेटिव भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय सिनेमा इतिहास के सबसे बेहतरीन कॉमेडी अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें पिछले कुछ वर्षों में अपने कॉमेडी प्रदर्शन के माध्यम से व्यापक पहचान हासिल की है और उन्हें फिल्मफेयर स्क्रीन अवार्ड जैसे कई पुरस्कारों के लिए सम्मानित भी किया गया है। और ये इनका फिल्मी करियर जब शुरू किया साल 1990 से अब तक ये बॉलीवुड में एक्टिव हैं और काम करते हैं। राजपाल यादव अब कुछ ऐसे दिखाई देते हैं और इनकी उम्र 52 वर्ष है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।